मंच पर विराजमान अधिकारीगण, विद्वतगण, आर्य बंधु, मातृशक्ति प्रिय बच्चों, सृष्टि बनाने का प्रयोजन क्या है? दो प्रयोजन के लिए परमात्मा ने सृष्टि का निर्माण किया। पहला प्रयोजन, सब जीवों को कर्मानुसार यथा योग्य फल देना, और दूसरा प्रयोजन अपनी महिमा का प्रदर्शन करना। यदि परमात्मा सृष्टि का निर्माण नहीं करता तो उसे कौन जानता? मुख्य प्रयोजन जीवों को कर्मानुसार फल देना, ये प्रयोजन है। सृष्टि का निर्माण ब्रह्म पुराण में लिखा है कि चैत्र मासे जगत ब्रह्मा ससर्जे प्रथमे अहने शुक्ल पक्षे समग्रेतु तदा सूर्योदय सति। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष में विधाता ने, परमात्मा ने, ब्रह्मा परमात्मा के नाम है, जगत की रचना करने से उसको ब्रह्मा कहते हैं, धारण करने से विष्णु कहते हैं, और प्रलय करने से महेश नाम उसका रुद्र नाम है। तो चैत्र मास में शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा के दिन सृष्टि का निर्माण प्रारंभ हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि आप जानते हैं कि जब बच्चा आता है तो पहले माँ के स्तनों में दूध पहले पैदा परमात्मा कर देता है। भोक्ता से पहले भोग का होना जरूरी है। आदि सृष्टि अमैथुनी सृष्टि रही, बिना माता पिता के परमात्मा की व्यवस्था से, और जड़ के साथ पास में झिल्लियों में, और युवा पैदा हुए, और मंत्र कहता है अज्येष्ठासो अकनिष्ठासे एते संभ्रात्रो वा वृद्धो महते सो भगाए। कोई बड़ा नहीं था, कोई छोटा नहीं था, युवा थे। तो जब युवा थे तो उनको खाने पीने के लिए कुछ कुछ चाहिए। तो बसंत ऋतु एक ऐसा ऋतु है कि औषधियां हैं, वनस्पतियां हैं, सभी फलित और पुष्पित होती हैं। वातावरण के अंदर उल्लास होता, उमंग होती, आनंद होता है। और किसान जो है वो जानते हैं कि चैत्र मास में गाय प्रसूता होती है। तो उस दृष्टि से सृष्टि में का निर्माण का सबसे उचित समय, बुद्धि भी यही बात मानती है कि वसंत ऋतु के अंदर जो है सृष्टि का निर्माण हुआ, इसलिए इसको सृष्टि सम्मत भी इसको मानते हैं। चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को सृष्टि सम्मत जो है वो मानते हैं। अगली बात क्या है कि ये उसके पश्चात में महाराजा सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने कि शकों का पराभव करके और विक्रम सम्मत प्रारंभ किया, वो भी चैत्र शुक्ला प्रतिपदा के दिन ही किया। यदि हम संसार में इस समय 25 के आसपास जो है सन सम्मत सर कुछ भी कहो चलते हैं, उनमें दो चार को छोड़कर के अधिकांश जो है वो मार्च मास में ही शुरू होते हैं। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि ईसवी सम्मत भी सन भी 1752 तक जो है 25 मार्च को ही प्रारंभ होता था। आज भी सरकार के हिसाब किताब का जो समाप्ति होती है, क्लोज होता है, वो मार्च का अंतिम दिन ही होता है। ये सभी इस बात का संकेत है कि जनवरी, पहली जनवरी से कोई नयापन कुछ भी नहीं होता है। उत्तरी गोलार्ध में तो भयंकर शीत की ऋतु होती है। तो उस दृष्टि से पहले भी आप जरा ध्यान करें, सितंबर से आ जाए सप्त अंबर, इसका नाम था सातवां अंबर, आसवी विशुद्ध संस्कृत से थोड़ा सा अपभ्रंश होकर के सप्तम्बर हो गया। अक्टूबर अष्ट अंबर, नवंबर नवम अंबर, दिसंबर दशम अंबर। पहले ईसाइयों के यहाँ पर यूरोप में केवल 10 मास ही होते थे,
बाद में सम्राट जूलियस सीजर के नाम पर जुलाई बना और अगस्त देवता के नाम पर जो अगस्त और सम्मिलित हुआ तब जाकर के उनके 12 महीनों की पूर्ति हुई है। अगली बात, अब सारे विश्व में आधी रात्रि को तिथि बदलते, तारीख परिवर्तन करते हैं। भला सोचो कि जब ये इस प्रकार का आधुनिक वो नहीं था, उस समय में दिन का भी कोई माप होता होगा, तो हमारे यहाँ पर जितने भी पंचांग हैं उसमें सूर्य उदय होने से ही दिन का प्रारंभ माना जाता है। पहले आर्यों का चक्रवर्ती सारे भूमंडल पर राज्य था। जब भारतवर्ष के अंदर आर्यावर्त में सूर्य उदय होता था, उसी समय में सारी दुनिया के लोग अपनी तारीखें बदलते थे। समझदार लोग जानते हैं कि यूरोप का कैलेंडर जो है, यूरोप का टाइम अपने से 5.5-6 घंटे पीछे। जब भारतवर्ष में सूर्य उदय होता है, यूरोप में आधी रात्रि होती है, तो क्योंकि आर्यों का राज्य था उसके कारण से आधी रात को वो लोग जो अपने दिन का प्रारंभ मानते थे। हम अपनी बातों को, मर्यादाओं को, गौरव को, अपने शौर्य की गाथाओं को भूल गए हैं। उसके कारण से ऐसा हो रहा है, क्योंकि एक समय में इंग्लैंड का जो है उस आधी भूमि पर, आधी भूमंडल पर राज्य था और उन्होंने ग्रीनविच का स्टैंडर्ड टाइम माना वो आधी रात के समय। तो जिस राजा काल का कारण होता है उसके कारण से, इंग्लैंड के कारण से सारे विश्व जो है उसी को स्टैंडर्ड टाइम जो मान रहा है। अक्षांश देशांश भी वहीं से प्रारंभ करते हैं, क्योंकि राज्य था उनका, विज्ञान के पहले उन्होंने उन्नति की, तो उसके कारण से उन्होंने जैसे चलाया सब ने विष्णु मान लिया। बाकी हकीकत जो अलग है, अपना जो पंचांग है वो सूर्य और चंद्रमा के आधार पर चलता है। हमारे जितने भी त्यौहार हैं, जितने भी पर्व हैं, जितने भी धार्मिक कर्मकांड हैं, वो चंद्रमास से शुरू होते हैं। और चंद्रमास जो है वो चंद्रमा का मास जो होता है 29 दिन कुछ घंटे कुछ होता है। तो हर तीसरे वर्ष जो है वो एक मन मास अधिक मास की वृद्धि करनी पड़ती है, जिससे कि जो सूर्य का जो साइन सम्मत है वर्ष है उसके साथ में उसको बराबर किसी प्रकार का उसमें बाधा नहीं आए। तो हमारी गणना जो है, क्योंकि भारतीय ऋषि महर्षियों ने और बाद के जो ज्योतिषाचार्य थे उन्होंने भी काल की बड़ी सूक्ष्म गणना ढंग से की है, और उसी के कारण से ये हमारा ज्योतिष जो है वो वेद का जो वेदांगों के अंदर जो है उसको सम्मिलित किया गया। ये प्रसन्नता की बात है कि आर्य समाज के संस्थापक महर्षि स्वामी दयानंद जी ने 1875 ईस्वी में और चैत्र शुक्ला प्रतिपदा के दिन आर्य समाज की स्थापना की। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का जो राज्य सिंह आसनारोहण है वो भी चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को ही हुआ। तो ये नए वर्ष का प्रारंभ है। आप पूछ सकते हैं कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में क्यों हुआ, तो ज्योतिष कहता है कि यदि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष से शुरू करते हैं तो फिर वो अधिक मास जो है वो नहीं आता, मध मास को गणना करने में दिक्कत होती ज्योतिष संबंध, इसलिए चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से ही शुरू किया है। तो ये सृष्टि सम्मत अपना, फिर उसके बाद विक्रम सम्मत, फिर उसके पश्चात शक सम्मत। शकों ने जो सम्मत शुरू किया है वो 78 वर्ष ईस्वी सन से पीछे है। वो पहले विदेशी रूप से आक्रमणकारी थे, लेकिन धीरे धीरे अपनी संस्कृति के अंदर आकर के वो आर्य धर्म के अंदर ही, हिंदू धर्म के अंदर ही दीक्षित हो गए। इसलिए अपनी सरकार ने भी उसी को अपने सम्मत में सम्मिलित किया है। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है कि पहले विज्ञान जो है वो बहुत छोटा उनका दृष्टिकोण था। वो मानते थे कि ईसा से पहले लोग अर्ध सभ्य थे, और अब भी वो उसको प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं, बीसी ईसा से पहले को। लेकिन जो जो विज्ञान बढ़ा है, आज विज्ञान ने ये सिद्ध कर दिया कि पृथ्वी को बने हुए कम से कम, वो तो हमसे भी आगे जाते हैं, वो कहते हैं कम से कम 4 अरब वर्ष जो है सृष्टि को बने में हो गए। तो जो जो विज्ञान आगे बढ़ेगा, हमारी वैदिक संस्कृति के जो मान्यताएं हैं, वैदिक ऋषि मुनियों ने जो रिसर्च की है, वो विज्ञान की कसौटी पर खरी उतरेंगी। थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पत्तों का झड़ना बंद हुआ, पतझड़ की ऋतु बीत गई, आया बसंत, आया बसंत, गा रही दिशाएं गीत।
क्योंकि सृष्टि का नवनिर्माण इस समय हो रहा है। ऋतुराज ने ली जब अंगड़ाई, फूलों की कलियां मुस्काई, वृक्षों ने ओढ़ी हरियाली, छाई चौदिशी में खुशहाल। ये मौसम इस प्रकार का है कि नया उल्लास, नया वातावरण, प्रकृति के अंदर जो है नया परिधान वातावरण, और इसीलिए संसार के अधिकांश जो है वो सम्मत है, वो बसंत ऋतु से उनका प्रारंभ मानते हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का दिन, सृष्टि का प्रारंभ हुआ इस दिन, भूमि के गर्भ से निकले थे आदि सृष्टि जो है वो अमैथुनी हुई, और जितने भी प्राणी थे वो भूमि के जल के संयोग से, परमात्माओं की व्यवस्था से, और भूमि फाड़ करके पैदा हुए, भूमि के गर्भ से निकले थे, नहीं छोटे बड़े और मझले थे, सब बराबर थे, जवान थे, जवान नहीं नवयुवक और जवान युवती थे। क्योंकि स्वामी दयाल जी बहुत बड़ी बुद्धि की बात कही है कि यदि बच्चे पैदा होते तो उनको पालन कौन करता, और वृद्ध पैदा होते तो आगे सृष्टि कैसे चलती। इसलिए जब अमैथुनी सृष्टि पैदा होती है तो सदा युवा ही होती है, तो इसलिए न कोई छोटा था, न बड़ा था, न मझला था, थे आपस में सब भाई भाई। आज भी यदि विचार करें कि हम सब जो है भूमि माता और परमात्मा की व्यवस्था से एक ही सब है, यदि इसका विचार करें तो बहुत सी जो विरोधी मान्यताएं हैं, आपस का मनोमानने वो दूर हो जाए। थे आपस में सब भाई भाई, सबके मुख पर थी अरुणाई, कोई उदास नहीं था, सब जवान थे। किंतु घूमा मिलकर सारे वो रहते थे, मिलकर सुख दुख को सहते थे, सब आपस में सुख दुखों को बांट करके आराम से रहते थे। किंतु घूमा उल्टा चक्कर, पश्चिम ने दी पूर्व को टक्कर, किंतु घूमा उल्टा चक्कर, पश्चिम ने दी पूर्व को टक्कर, भाषा भूषा भोजन छोड़ा। आज हम सब बदल गए, अपनी भाषा छोड़ दी है, अपने वेशभूषा बदल दी है, भोजन को छोड़ दिया है, अपनी भेषज को, औषध को, चारों चीजों को छोड़ दिया है। और जो जाति, जो देश अपनी संस्कृति की जो मान्यता है उनको छोड़ देता है, देर सवेर वो इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाता है। भाषा भूषा भोजन छोड़ा, अपनी मर्यादाओं को तोड़ा। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, श्री कृष्ण जो है वो योग के आचार्य हैं, ये हमारी संस्कृति के सूर्य और चंद्रमा है, हम उनको भूलते जा रहे हैं। भाषा भूषा भोजन छोड़ा, अपनी मर्यादाओं को तोड़ा, आओ मिलकर के फिर गाएं अपने गौरव की गाथाएं। और क्या करें, क्यों अपनाए ईश्वर सम्मत, क्यों अपनाए ईश्वर सम्मत, जब विद्यमान सृष्टि सम्मत, विक्रम सम्मत और शक सम्मत, क्यों अपनाए सृष्टि सम्मत, जब विद्यमान सृष्टि सम्मत, विक्रम सम्मत और शक सम्मत। सभी को नव वर्ष की शुभ शुभ